नमस्कार, भारत किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मीठी बूंदी। मीठी बूंदी हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा खिली खिली और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। घर बनी हुई मिठाइयाँ बाजार की मिठाइयों से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं, तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स बताए हैं जिससे हमारी बूंदी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। बाजार से भी बढ़िया बूंदी हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। मीठी बूंदी को आप हनुमान जी के प्रसाद के लिए या फिर कोई घर में छोटा मोटा गेट टुगेदर है उसके लिए या फिर छोटी मोटी कोई बर्थडे पार्टी है उसके लिए भी बना सकते हैं। तो आप रेसिपी को जरूर ट्राई करें और चलिए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से बना रहे हैं। बनाने के लिए हमने एक बाउल बेसन को छान कर ले लिया है। इसको बड़े बाउल में डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका लम्स फ्री एक बैटर बनाएंगे। बिल्कुल स्मूथ हमें इसे बनाना है, कोई भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। अब हम बैटर में थोड़ा और पानी डालेंगे। हमें बैटर को थोड़ा सा पतला रखना है क्योंकि बूंदी बनाने के लिए जो है पतला बैटर रखा जाता है। ये देख सकते हैं आप कि हमने इसे कितना पतला बनाया है। अब हम इस तरह का एक विस्कर लेंगे और इसको फेटेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट तक हम इसे फेटेंगे और जो बैटर है अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और फूल कर तैयार हो जाएगा। जिस तरह से बेसन की पकौड़ी वगैरह हम बनाते हैं तो बेसन जो है फूल जाता है। इसको ढककर रख देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। इसको हमें ढककर रखना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हम बैटर को चेक कर लेंगे। ये देखिए बैटर जो है बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है, ये फूल चुका है। अब हम इससे बूंदी बनाएंगे। तो ये बूंदी बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। बूंदी बनाने के लिए हम करछली या फिर इस तरह की कोई भी चलनी हो हमारे पास इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। बैटर ये देखिए एकदम से जो है फूलकर ऊपर आ रहा है। कढ़ाई जो है पर्याप्त गर्म है, इतनी ही गर्म कढ़ाई हमें बूंदी बनाने के लिए चाहिए। तो इस तरह से चलनी लेंगे और बैटर को सब तरफ घुमाते हुए डालेंगे और चलनी को हम ऊपर उठाते जाएंगे। लगातार ऊपर उठाने से चलनी में जो बूंदी जब गिरेगी चलनी से तो वो एक जगह नहीं गिरेगी और जो बूंदी थोड़ी देर से आएगी कढ़ाई में तो आपस में चिपकेगी भी नहीं। तो इस तरह से गोल गोल बूंदी जो है बनकर तैयार होगी। आपने देखा कि हमने बैटर में भी सोडा या फिर कुछ भी नहीं डाला है और हमारी बूंदी जो है बाजार से भी बढ़िया बनकर तैयार होगी और तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। अगर आप बेसन को अच्छे से नहीं फेटेंगे और सोडा वगैरह डालेंगे तो बूंदी जो है तेल एब्जॉर्ब कर लेती है और स्वाद उसका जो है खराब हो जाता है। बूंदी को अब हम लो मीडियम गैस पर जो है ब्राउन होने तक सेकेंगे। थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन हमें इन्हें सेकना है। इनको सेक सेक कर इस तरह से निकालते जाएंगे। ये बूंदी को हमने सेक कर तैयार कर लिया है। गोल गोल कितनी राउंड राउंड बूंदी ये बनकर तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प करके हमने इन्हें सेका है। तो अब ये जो है बूंदी जो है बनकर तैयार है। अब हम बूंदी के लिए चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए एक भगोना ले लिया है, उसमें डेढ़ बाउल के करीब हम चीनी डालेंगे। चीनी को डालने के बाद इसमें एक बाउल पानी डाल देंगे। चाशनी को बीच बीच में चलाते जाएंगे जिससे कि चीनी जो है तले में लगे ना। थोड़ा सा इसमें कलर डाल देते हैं। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना डालें। ये एक बड़ी इलायची को हमने छील कर ले लिया है, इसको इसमें डाल देते हैं। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। ये देखिए चाशनी जो है लगभग बनकर तैयार है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये चाशनी हमें बिल्कुल इस तरह की चाहिए जिस तरह से अगर हम शहद को हाथ से छूते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता और गाढ़ा गाढ़ा सा हल्का लगता है। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। बूंदी हम गर्म चाशनी में ही डालेंगे तो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगी। बस 5 मिनट हम इसमें रखेंगे इसे और ये फूल जाएगी। थोड़ा सा चला देते हैं और ढककर इसे रख देंगे। बूंदी को चाशनी में भिगोए हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। बूंदी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बूंदी जो है अच्छे से भीग चुकी है, इसने सारा जो है चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस तरह से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। बहुत बढ़िया बूंदी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। आप अगर इस बूंदी की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया बूंदी जो है बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए बूंदी कितनी खिली खिली और जूस से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया ये लग रही है। थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको सजा देते हैं। बढ़िया बूंदी यहाँ पर बनकर तैयार है। आप चाहें तो किसी बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी छोटी मोटी पार्टी के लिए इसे घर पर बना सकते हैं या फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए भी इसे बना सकते हैं। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।